मति से कोई संबंध बन रहा हो तो वहीं कहीं से गलत नहीं, समाज में ये भी लोग कहेंगे। देखिए देखिए, अगर आप संविधान की बात करेंगे और सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो हमारा समाज अभी उतना आगे नहीं बढ़ा है कि भैया तुम शादी करो, घर में पत्नी को रखो, घर में पति को रखो और बाहर तुम और कहीं जाके रंग लड़िया मनाओ, ये हमारा समाज नहीं कहता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का भी ऐसा करता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे सामने ज्योति मौर्य की कहानी आई हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज संविधान की बात करते हैं तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई है उसको तो पता है ना कानून क्या है, क्या संविधान क्या कह रहा है। उसको अगर दूसरे के साथ रिलेशन बनाना था तो पति को तलाक दे देना चाहिए था। आप पति को तलाक दे देती ना, लेकिन आप पति को भी तलाक नहीं दिया। आप सोसाइटी को दिखाना चाहती हैं कि हम एक पति वर्ता नारी हैं और बाहर आप दूसरे गैर मर्दों के साथ अवध संबंध बना रहे हैं। ये सोसाइटी कहां से इज्जत देती है? इस सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो हमारे विदेशी कल्चर है वो हमारे समाज में भी वो चीजें फैले। इस शर्म को और ऐसे चीजों को हम सभी को मिलकर रोकना होगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पहले के समय में और आज के समय में, पहले पुरुष सच में प्रताड़ित करती थी महिला को, लेकिन अभी के समय में जितना पुरुष करता है प्रताड़ित, उतना ही काफी जनसंख्या में अभी के समय में महिला भी प्रताड़ित कर रही है। आपको मैं एक केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि पटना में केस आई थी, वो महिला शादीशुदा थी, बच्ची थी उसका, और वो फेसबुक के माध्यम से एक गैर लड़का से, जो इंटर में लड़का था, उससे अफेयर चला के उससे शादी कर ली। थाना में जाके बॉन्ड पेपर बना, शादी कर ली, लड़का ले गया अपने घर, 10 दिन रखा, उसके बाद वो लड़का उसको रखने से इनकार कर दिया। वो लड़की फिर आई महिला गिरगिराने के लिए कि आप मुझे अपने पुराने पति के पास जाना है और मुझे जाना ही है उसके पास। आप बताइए, क्या महिला गलत नहीं कर रही है? मतलब आप खाली वोमेन कार्ड खेलो, आप मनी है सिर्फ वोमेन कार्ड खेलने के लिए? नहीं, ये चीजें नहीं चलेगी। इस देश में जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कहती है, समाज कहते हैं आप पढ़ो, शिक्षित की बात करो, शिक्षा की बात करो, पहनावे ओढ़ावे की बात करो, हर चीज सही है, लेकिन हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता या हमारा संविधान ये नहीं कहता कि घर में पति को रख के बाहर तुम गैर मर्दों के साथ अफेयर करो। तलाक है, फैमिली कोर्ट जाओ, केस दायर। अगर आप इतना अच्छी है और आप अभी आलोक मौर्य पे आप आरोप लगा रही है कि उसने मुझे दहेज प्रताड़ना, भाई किस बात की दहेज?